फोनिक या साउंड जो हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो होता है ख, स्मॉल सी। ठीक है, टीचर इसको रिप्रेजेंट करती हैं ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, फिर बच्चे को साथ ही साथ पढ़ाती हैं ख, ख कैट, ख कप, और चीज़ों से रिलेट करवाती हैं। फिर सेकंड स्टेप, टीचर बच्चे को फ्लैश कार्ड के ज़रिए ख शो करवाती हैं, ख कैट, ख कैट। इस तरह बच्चा रिकॉग्नाइज करना आसानी से सीख जाता है। अब सेकंड स्टेप जो हम बच्चे को राइटिंग सिखाएंगे रिकॉग्नाइजेशन के बाद, वो होगा कि आप कोई भी वर्कशीट ले लें, उस पर ख ट्रेस हो, वो बच्चे से आप कलर के ज़रिए ड्रॉ करवाएंगे। ख से रिलेटेड पिक्चर में कलर करवाएंगे। जिस सीक्वेंस के साथ क्लास में टीचर काम करवाती है वो सीक्वेंस आपके सामने शो हो रही है। सबसे पहले ख, ओ, ए, ए, नेक्स्ट वीक आई, ल, ब, ड, नेक्स्ट ग्रुप ट, आ, हा, जा, नेक्स्ट ग्रुप क्वा, ग, इस, या, नेक्स्ट र, म, न, नेक्स्ट ग्रुप प, वा, वुआ, लास्ट ग्रुप फा, एक्स, ज़, का। ये हो गया इंग्लिश का। अब आप देखिए कि इन सब की फॉर्मेशंस किस तरह से हम ड्रॉ करवाएंगे बच्चे को। खा की फॉर्मेशन ऐसे बनेगी, खा कैच। अब इसको आप कंप्लीटली राउंड एंड राउंड कर देंगे तो ओ बन जाएगा, ओ ऑक्टोपस। एक ये फॉर्मेशन ख, ऊपर गए सीधी लाइन, वापस नीचे छोटी सी नोक निकाल दी, ए एप्पल। अब ए बच्चे के सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ख ड्रॉ करेंगे तो बन गया एह, एह, एग। अप डाउन, ऊपर एक डॉट लगा दिया, आई आइसक्रीम। अब डॉट को रब कर दिया, इल बन गया। इल बनाने के बाद अप डाउन, इल बनाने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर आए और हमने इसका एक पेड़ सा बना दिया तो बन गया बा, बाबस। और ये पेड़ किस हैंड की तरफ मूव करेगा, बच्चे के उल्टे हाथ की तरफ। एल बनाया, अप डाउन, और हमने इसका थोड़ा सा ऊपर जाके पेट घुमाया बच्चे के सीधे हाथ की तरफ तो डा बन गया। हमने एल बनाया हल्का सा घुमा के, ये एल बन गया। अब इसके अंदर हमने एक डंडी लगा दी तो टा बन गया, टा टैप। अब हमने इल बनाने के बाद अप डाउन और बाह की तरफ जिस तरह हम मोड़ते इसका पेट, और हमने इसका मुंह खुला रखा, बंद नहीं किया, तो ये बन गया ह।
हा हॉर्स। एल बना के और हम पूरा यूं घुमा के ऊपर ले गए और वापस नीचे लेकर आए और छोटी सी नाव निकाल दी तो बन गया आ अम्ब्रेला। अब आई बनाएंगे और उसका पेट जरा सा इधर की तरफ घुमा देंगे जिधर बच्चा जिस हाथ से काम करता है यानी सीधे हाथ से काम करता है और उसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे तो बन जाएगा जा जग। अब बारी है क्वा की। क्वा कैसे बनेगा? खा बनाया, ऊपर गए, ए बन गया और सीधे नीचे आ गए। नोक निकालने के बजाय हम सीधा नीचे आ गए और छोटी सी डंडी निकाल ली तो बन गया क्वा, क्वा क्वीन। सेम इसी प्रोसेस के जरिए कि हमने पहले खा बनाया, फिर हम ऊपर गए, ए बनाया एप्पल और नीचे आ गए स्ट्रेट लाइन और सीधे हाथ की तरफ ज़रा सा इसका मुंह मोड़ दिया जैसे हम जा का मुंह मोड़ते हैं जा जेली का। इसी तरह गा का भी इधर ही मुंह मोड़ेगा सीधे हाथ की तरफ तो बन गया गा गन। अब आ रही है इस खा और यूं उल्टा हाथ वापस घुमा देंगे तो बन जाएगा स्नेक सन। अब या यो यो, या बनाना आसान है कि आपने आ अम्ब्रेला बनाया, नीचे ले गए लंबी डंडी और जिधर गा का मुंह मोड़ा था सीधे हाथ की तरफ या जा का मुंह मोड़ा था जा जेली का उधर ही या योयो का भी मुंह मोड़ेगा या योयो। हमने छोटा सा एल बनाया अप डाउन और वापस पूरा ऊपर गए और थोड़े से गैप छोड़ के आगे की तरफ हमने छोटी सी नोक निकाल दी तो बन गया रैपिड। अब सेम यही प्रोसेस रेल की तरह हम ऊपर गए और लाइन निकालने के बजाय पूरा हम वापस नीचे आ गए तो बन गया नोस। एग्जैक्टली इसी तरह हमने रेल बनाया। अब हमने ना बनाया फिर वापस ऊपर जाके और एक दफा और घुमा दिया नीचे आ गए तो बन गया मॉन्की मॉन्की। अब बनाएंगे इल की तरह दोबारा से और वापस पूरा ऊपर जाके और आगे की तरफ उल्टे हाथ की तरफ इसका पेट घुमा देंगे तो बन जाएगा पा पैरेट पा पैन। अब इसका पेट ऊपर होगा, बा का नीचे होता है और पा का उल्टे हाथ की तरफ ऊपर पेट बनता है। अब एक टेढ़ी डंडी लगाएंगे और दूसरी टेढ़ी डंडी लगा देंगे तो बन जाएगा वा वैन। अब हमने दोबारा से आर ड्रॉ करना है आ अम्ब्रेला। एल बनाया पूरा घुमा के ऊपर ले गए और एक दफा दोबारा नीचे आके और दोबारा से ऊपर ले गए तो बन गया वा वॉच। आ में आ अम्ब्रेला में यहाँ पे नोक निकाल के स्टॉप कर देते हैं हम, लेकिन हमने वा में दोबारा से ऊपर जाना है और फिर स्टॉप करना है तो ये बन गया वा वॉच। पा यानी कि खा की तरह ऊपर से घोल लाए और नीचे ले गए बिल्कुल स्ट्रेट डाउन और एक छोटी सी डंडी लगा दी तो बन गया फिश। एक्स खा बनाया
और उसके साथ दाल बनाया तो बन गया एक्स ज़ाइलोफोन, एक्स एक्सरे। जब तक मैं इस स्टेज तक पहुँचेंगी एक्स तक, तो ऑटोमेटिकली बच्चा उर्दू में दाल बनाना सीख चुका होगा। अब हम बनाएंगे जिज। सेवन बनाया और उसकी एक डंडी बना दी उल्टे हाथ की तरह, तो बन गया जिज। इसमें भी नंबर्स तक मिस सेवन तक पहुंच चुकी होंगी, इसलिए हम ये इसको सेवन की हेल्प से जिज बनाना बच्चों को सिखा देंगे। लास्ट फोनिक या स्मॉल साउंड, स्मॉल लेटर एल बनाया, अप डाउन, एक छोटी सी टेढ़ी डंडी लाए और नीचे ले गए टेढ़ी डंडी। का काइट। अब जब बच्चा रिकग्नाइज कर लेगा लेटर्स को और एक ब्लैंक पेपर पे उनको किस तरह से बनाना है ये सीख जाएगा, तो उसको हम मॉन्टीसरी और नर्सरी लेवल में लेकर आएंगे और फोर लाइन पेपर पे काम करना शुरू करवाएंगे। उसको लाइंस में किस तरह से ड्रॉ करनी है फॉर्मेशन ये सिखाएंगे। फिर प्रेप वन के लेवल पे हम बच्चे को बिग लेटर्स, यानी कि जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, इस तरह से सिखाएंगे बच्चे को बनाना उनकी फॉर्मेशंस और फोर लाइन्स में किस तरह से उनको ड्रॉ किया जाता है ये सिखाएंगे। प्रेप वन में ही या केजी वन में हम बच्चे को टू लेटर्स वाले वर्ड सिखाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता थ्री लेटर वाले वर्ड सिखाते हैं और फिर प्रेप टू में या केजी टू में बच्चे को हम और ज़्यादा बड़े वर्ड सिखाते हैं और साथ ही साथ उनको सेंटेंसेस तक लेकर जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह मैं उर्दू की और मैथमेटिक्स की भी आपको सिखाऊंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।